हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मेरा नाम है गीता चौधरी और आज का जो टॉपिक है वो है मेन इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी पार्ट टू। हम पार्ट वन देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने देखा था 1 to 10। अब हम हमारा 11 to 20 देखेंगे। तो नंबर 11 है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। ये दिया था थियोडोर श्वान ने इन 1839 में। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रुडोल्फ वर्चाओ ने बताया था 1858 में। नेचुरल सिलेक्शन, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1858 में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी नेचुरल सिलेक्शन पर डिपेंड था, ये भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था 1859 में। नेक्स्ट है स्पीच सेंटर, यानी कि हमारा ब्रेन में स्पीच सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये बताया था पॉल ब्रोका ने 1861 में। बेसिक लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ये जॉर्ज मेंडल ने बताए थे 1866 में। डीएनए टर्म जो नाम दिया था वो दिया था जे फ्रेडरिक मैस्चर ने 1869 में। मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग, ये जोसेफ लिस्टर ने बताया था 1878 में। मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम, ये बताया था वेदर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1880 में। पैरासाइट इन ब्लड, यानी कि ब्लड में कुछ पैरासाइट मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये बात बताई थी एल्फोस आपके लेवरान नाम के साइंटिस्ट ने 1880 में। लेवरा बोलते हैं इसको, लेवरा 1880 में। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पार्ट टू हो गया, इसका पार्ट थर्ड भी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।